Hi friends, welcome to my YouTube channel Tushar Prajapati. Today we are showing the Sisena practical access list part 2. It's extended access list. Extended access list हमेशा destination की जगह source पे ही लगाई जाती है और जो standard थी हमेशा destination पे होती है. तो यह है हमारी topology जो पहले बिल्कुल वैसी जो स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट में थी. इसमें हम कनेक्टिविटी लिए तो ऑलरेडी आईपी की आरआईपी की है ही. अब हम एक चीज़ ऐड करेंगे, वो है वेब सर्वर. हमारा ये प्रैक्टिकल है, हम एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट से इसका वेब सर्विस को डिनाई करना है किसी एक होस्ट से, इसलिए हमने लिया है वेब सर्वर. इसको हम कनेक्ट करेंगे स्ट्रेट केबल से जो हमारे फास्ट इथरनेट पोर्ट से है. स्विच ठीक है, राउटर की स्विच से. अब हम इधर इसको आईपी दे देंगे. .3.1 जो हमारा स्विच ट्री का आईपी एड्रेस है, यानी उसको हम डिफॉल्ट गेटवे का यूज करेंगे. अब हमने आईपी एड्रेस दे दिया है सर्वर को, इसको क्लोज करते हैं. पहले हम इधर से कनेक्टिविटी चलेंगे, हमें इस तरह रूप से उसको डिनाई करना है. पिंग 192.168.3.4. हमारे पिंग मिल रही है 3.4 को. हम वेब एक्सेस को अभी एक्सेस कर सकते हैं बिल्कुल वैसे ही. वैसे ही प्रिंट लगाएंगे, पिंग लगाएंगे 1.3 से 168.3.4 पिंग मिल रही है. अभी हमें करना है, हम एक और चीज देख लेते हैं. हम वेब एक्स सर्कुलर को एक्सेस करते हैं. वेब सर्वर को हम इधर से एक्सेस करते हैं. 192.168.3.4 देखिए, अभी हम अपना वेब सर्वर एक्सेस कर पा रहे हैं 1.2 से, जो हमारे राउटर 1 के होस्ट पर से. अब कि हमें प्रैक्टिकल करना है एक्सटेंडेड का, जिससे हम इसका एक्सेस बंद कर पाएंगे. सिस्को ने एक अच्छी फैसिलिटी दी है वेब सर्वर के लिए, वरना वेब सर्वर बनाना इतना आसान नहीं होता. उसके लिए हम किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं. विंडोज़ में विंडो IIS का रोल इंस्टॉल करना पड़ता है, या फिर आप लिनक्स में जाके अपाचे सर्वर से वेब सर्वर बना सकते हैं. वो भी हम देखेंगे हमारी विंडोज़ और लिनक्स की सीरीज में. उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा. अभी हम जाते हैं सोस्ट एड्रेस पे, जो है हमारा राउटर 1. पहले करते हैं इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड. सो
चेक कर लेते हैं कोई एक्सेस लिस्ट है या नहीं। अगर हम कोई कमांड कॉन्फ़िगरेशन में चला तो उसके आगे डू लिखना पड़ेगा, मैंने आगे के प्रैक्टिकल्स में भी बताया होगा। अभी कोई एक्सेस लिस्ट है नहीं, कॉन्फ़िगर करते हैं एक्सेस लिस्ट के लिए कमांड। ये एक्सटेंडेड के लिए हमें नंबर देना होगा 100 टू 199 के बीच में 100। वापस क्वेश्चन मार्क्स, डिनाई करना है, परमिट करना है, रिमार्क करना है, अभी तो हमें डिनाई करना है। अगर आप पूरे नेटवर्क को, मैंने पहले ही आगे बताया था कि स्टैंडर्ड में नेटवर्क को करना है 160.1.0 और उसके लिए आपको वाइल्ड कार्ड मास्क लगाना पड़ेगा जो इन्वर्स होता है सबनेट मास्क का, वो डिपेंड रहता है आपके सबनेटिंग पे। लेकिन अभी तो हमें 1.2 को एक होस्ट को ही ये वेब सर्वर एक्सेस से डिनाई करना है, उसके लिए हम जाते हैं डिनाई क्वेश्चन करते हैं। अभी हमें क्या प्रूव करना है, वेब सर्वर, इसलिए हम वो TCP प्रोटोकॉल पे रन वर्क करता है TCP पर। फिर क्वेश्चन मार्क्स, हमें क्या करना है, ब्लॉक होस्ट, होस्ट कौन सा है, सोर्स होस्ट तो हमें पता है अपना 192.168.1.2। और अभी हमें तो हमारा डेस्टिनेशन भी पता है, होस्ट 192.168.3.4। इसके आगे कमांड के लिए हम वापस हेल्प में जाएंगे। तो हम अपने इसके लिए कमांड के लिए आगे ले जाएंगे इक्वल टू, वापस जाएंगे, वापस क्वेश्चन मार्क्स। नेक्स्ट कमांड के लिए क्या करना है, हमें तो वेब सर्वर ब्लॉक करना है, इसलिए इसकी होता है www और उसका पोर्ट नंबर 80। हम यहाँ www भी लिख सकते हैं और पोर्ट नंबर 80 भी लिख सकते हैं। अभी हम लिखेंगे पोर्ट नंबर 80। ये हमारा कमांड रन हो गया एक्सेस का। हमें आगे भी बात की थी स्टैंडर्ड में कि जो हमारा एक्सेस लिस्ट के बिहाइंड जो होता है, जो एक बार लगाने के बाद उसको एक्सप्लिसिट डिनाई होता है, यानी वो पूरा का पूरा नेटवर्क को ब्लॉक कर देता है। लेकिन हमें तो किसी एक होस्ट 1.2 को ही ब्लॉक करना है, इसके लिए हम कमांड लाइन आएंगे एक्सेस लिस्ट नंबर 100 IP परमिट देना है, परमिट। वापस हम क्वेश्चन मार्क करेंगे, क्या करना है हमें आईपी, पूरा आईपी रेंज को, सोर्स टू डेस्टिनेशन को। परमिट दो बार, इस बार हम एनी लगाएंगे क्योंकि हमने सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों के लिए दो बार एनी लगाना पड़ेगा। तो हमारी एक्सेस लिस्ट कॉन्फ़िगर हो गई, इसको हम वापस चेक करके लेते हैं, डू शो एक्सेस लिस्ट, देख सकते हैं एक्सेस लिस्ट। अब हमारा काम रहता है, हमने एक्सेस लिस्ट को कॉन्फ़िगर कर दिया, पर हमें उसको अप्लाई करना है हमारे सोर्स इंटरफेस पे, जो सबसे पहला जो हमारा होस्ट का जो नज़दीक का इंटरफेस है, जो हम पैकेट एंटर होता है, यानी इन होगा इस बार, ना कि आउट, जो हमने एक्सटर्न में स्टैंडर्ड SSH में आउट पिलर का मान लगे, इधर पैकेट इन होता है, यानी इधर हम लगाएंगे फास्ट इंटरनेट 0.0.0/0, ठीक है। इसके बाद हम रख जाएंगे वापस IP एक्स
एक्सेस ग्रुप नंबर वही होगा जो एक्सेस लिस्ट में होगा 100। इस बार हमें जाना है, इन करना है, पैकेट को इन करवाना है, इन में जाओगा पैकेट इन होगा और वहाँ से फिल्टर होके आगे जाएगा। अभी हमारा एक्सेस लिस्ट इंटरफेस पे कंफिगर हो चुका है, तो हम उसको चेक करेंगे कि हमारा इस पे ब्लॉक हुआ है कि नहीं हुआ। एंटर करेंगे 192.168.3.4। देख सकते हैं अभी हमें रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है क्योंकि हमने उसको होस्ट जिसका ये होता है www वेब वर्ल्ड वाइड वेब उसको हमने डिनाई कर दिया है 1.2 के होस्ट से, लेकिन उसका साथ ही सिस्टम है 1.3। इधर से हम चेक करते हैं, अभी भी इस तरह से एक्सेस हो रहा है, यानी हमारा प्रैक्टिकल सक्सेस हो रहा एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट का। अभी इसको वापस हम हटा देते हैं, उसको बिल्कुल वैसे ही हटाएंगे जैसे हमने स्टैंडर्ड को हटाया था। सबसे पहले इंटरफेस पे जाएंगे, स्टैंडर्ड पे जाने के बाद इंटरफेस पास 0/0 नो आईपी एक्सेस ग्रुप 100 इन हो गया, ये निकल गया हमारा इंटरफेस पर से और हम इसके बाद एक्सेस लिस्ट को रिमूव करेंगे। नो एक्सेस लिस्ट 100। वापस कमांड चेक कर लेते हैं, डू शो एक्सेस लिस्ट, अभी कोई भी एक्सेस लिस्ट नहीं दिखा रहा है हमें, उसके लिए हम वापस होस्ट पे जाके चेक करेंगे। वापस तुमको एक्सेस मिली, यानी हमारा प्रैक्टिकल एकदम सक्सेसफुल, हमने वापस हमारा एक्सेस जो डिनाई किया था वापस उसको अलाउ कर दिया। इसका आगे हम दूसरे वीडियो के लिए नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें क्योंकि आगे की वीडियो का ऊपर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।